तो डे वन की स्टार्टिंग हम लोगों ने इस कदर की है कि यहाँ पे थोड़े बहुत वुड कलेक्ट करने के बाद हम बनाएंगे अपने हथियार जिससे हम किसी को भी मार सकते हैं आसानी से। तो हथियार बनाने के बाद चलते हैं अपने खाना खाने के लिए, और खाना खाने के लिए अपने को जानवर को मारना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से पहले कोई भी जानवर को मार के अपने खाना बना लेते हैं। अरे मैं दूसरा हथियार बनाया यार मारने के लिए। अभी इसको इससे मार के मिल गया मेरे को खाना। और थोड़ा बहुत लेग हो रहा है स्क्रीन, तो माफ करना क्योंकि मेरी स्क्रीन थोड़ी खराब हो गई है। एक दिख चुके हैं मुझे चिकन, और इन लोगों को मार के मैं बनाऊंगा चिकन फ्राई। और फिर यहाँ पे अपने चल लो, यहाँ पे छोटी सी नन्ही सी जान है, इसको नहीं मारेंगे। और फिर यहाँ हम चल रहे हैं, और यहाँ पे मिल चुकी है पहली सीप जो कि मेरे को बेड बनाने की काम आएगी। चलो फटाफट से अपनी और भी सीप्स ढूंढते हैं। तो भाई दूसरी सीप भी मिल गई यार, बहुत सही है मेरे लिए। अब बस रात गुजारने के लिए सिर्फ एक सीप की जरूरत है, और बाकी खाना पीना सब रेडी हो चुका है। और फाइनली तीसरी सीप भी मिली गई है मेरे को, जो कि मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल रहा था इसके अंदर। गाय को मारने के बाद अपने चलेंगे सब सफर की ओर। तो यहाँ पे अभी मेरे को मेरा नया बेस ढूंढना है, तो नया लोकेशन दिख जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो फटाफट से मैं मारू इन लोगों को, और लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, और लोकेशन के बहुत करीब है हम लोग। ओ वाओ सीन अच्छा है, लेकिन अपने घर कहाँ बनाएंगे, इधर पानी के अंदर तो नहीं रहेंगे ना अपने। तो ये लोकेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन देखने के चक्कर में यहाँ पे मेरी मौत ना हो जाए, क्योंकि इतना ऊपर आ गया हूँ। अभी मेरे को देखो दो सीप मिल गए, वो भी झुंड में, तो दोनों को मार के मैं अपना खाना बना लेता हूँ फटाफट। इसको भी मार लेता हूँ। अब भाई थोड़े बहुत अपने को स्टोन कलेक्ट करने के, तो स्टोन भी फटाफट से कलेक्ट कर लेते अपने। और स्टोन कलेक्ट करने के बाद अपने स्टोन की पिकैक्स और स्टोन का सब कुछ बना सकते हैं अपने आराम से। और भाई आयरन मिल गया यार, रात में लाइट वाइट तो अपने आराम से इसकी वजह से अपने यूज कर सकते हैं, लाइट बना सकते हैं आराम से। फटाफट से बेड बना के और सो जाते हैं भाई। तो डे वन कंप्लीट हुआ अपना, तो चलो डे टू की ओर। बेड उठाए, आज अपने को घर बनाने का कुछ भी करके, ठीक है। तो चलो थोड़ी बहुत माइनिंग कर लेते हैं, अपने को थोड़ा बहुत जो कोयल वोयल मिल जाएगा वो फटाफट से अपने उठा लेते हैं, और फिर चलते हैं दूसरी सफर की ओर। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें इकट्ठी कर ली है, जो देखो 58 कॉइन इकट्ठे कर चुका हूं मैं। और अब मैं खाना बनाने के लिए अपने, मतलब खाना को चिकन फ्राई और ये सब बनाने के लिए अपने को कर दिया हूं मैं, कॉइन वॉइन इकट्ठा कर लिया हूं आराम से। तब तक हो रहा है तब तक अपना बेस देख लेते हैं, वहां घर बनाऊंगा, देख सकते हो वहां पे। हाँ यहाँ पे घर बनाने का सोच रहा हूँ, यहाँ पे ये एरिया बहुत अच्छा है। और यहाँ से नीचे से देख सकते हो भाई, सिर्फ पानी पानी है, मतलब समझ रहे हो ना, आज ब्लू है, पानी पानी वाला सीन हो गया यहाँ पे। थोड़ा बहुत अपने को एरिया साफ करना पड़ेगा। फटाफट से सारी डट्स में हटा देता हूँ, ताकि अपने आराम से घर बना सके यहाँ पे। छोटा घर नहीं बनाना है अपने को, बड़ा घर बनाना है। तो फटाफट से मेहनत करनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि अपने को रात होने से पहले अपने को रहने के लिए घर भी बनाना है आज। तो भाई यार यहाँ पे तो अपने को माइनिंग करते करते ही भाई रात हो गई, और फिर डे टू भी यहीं पे कंप्लीट करना पड़ेगा अपने को। तो फाइनली डे टू भी कंप्लीट होने ही वाला है, अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा और हो गया। तो भाई गाइस डे टू भी कंप्लीट हो चुका है। डे टू मतलब समझो यार, अपने डे थ्री को अपने आराम से घर बना सकते हैं। तो अपने को रहने के लिए पहले छोटा सा घर बनाना पड़ेगा, उसके बाद बड़ा घर बनेगा। ऐसे एकदम स्पीड में घर बना दूंगा तो समझो यार बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अपने को नॉर्मल घर नहीं बनाना, अपने लिए एकदम VIP घर बनाना, एकदम से समझ रहे हो ना, VIP घर। मतलब ये जो बना रहा हूँ ये VIP घर नहीं है, अभी VIP घर बनाऊंगा आराम से, मतलब ज़ॉम्बी से बचने के लिए। दो तीन नाइट तो मैं अभी ज़ॉम्बी से फाइट ही नहीं किया हूँ अभी, और अच्छा है कि ज़ॉम्बी से फाइट नहीं कर रहा हूँ मैं।
अगर ज़ॉम्बी से फाइट करूंगा तो समझो मैं पता हुआ ही मिलूंगा, क्योंकि मैं कभी ज़ॉम्बी से अच्छे से फाइट कर ही नहीं पाता हूँ। वुड खत्म हो गया, वुड कलेक्ट करता हूँ फटाफट। वुड खत्म हो गया है गाइस अपना, और फटाफट से अब अपने बना सकते पूरा। फिर भी नॉर्मल सा घर बनाऊंगा, फिर बताना, कमेंट करना ये वाला घर कैसा बन रहा है, ठीक है। तो मैंने डर्ट भी हटा दी यहाँ से, और बस अब गेट लगाना वापस रह गया। बाकी देख सकते हो कुछ ऐसा घर दिख रहा है अंडर टाइप का यार, कोई बात नहीं, अपने को तो रात बितानी इसके अंदर। सब सामान को उठा के चलते हैं लेके, चलो भाई तुम भी चलो, और ये घर के अंदर सेट कर देते हैं। भाई ये दरवाजा खुला था ऊपर से, देखा था ना। अब फटाफट से अपने सेट कर लेते हैं, अपने मतलब सेटअप बना लेते हैं घर का, कैसा सेटअप होता है। खाना वाना पका लेता हूँ थोड़ा बहुत, और अपने घर के लिए गेट बना लेते हैं अच्छे से। ये भारी वाला गेट तो नहीं बन रहा है, सस्ता वाला गेट ही बना लेते। चलो कोई नहीं यार, सस्ता वाला वुड होगा ना अपने पास। हाँ है, वुड है। भारी वाला गेट तो है नहीं अपने पास, वुड भी नहीं है अपने पास। अपने को जाना पड़ेगा वुड काटने के लिए, तब तक रात हो जाएगी यार। चलो सस्ता वाला ही घर बना लेते हैं, मतलब सस्ता वाला गेट बना लेते हैं। सूरज भी आसमान में है, मतलब साइड में आ चुका है यार। क्या करे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोकेशन तो अच्छी लग रही है, कमेंट करके बताओ यार लोकेशन कैसी है। नहीं तो अपने कभी अपने मतलब अलग से घर बना लेंगे, लोकेशन चेंज कर देंगे अगर तुम लोग कमेंट करके बता दोगे तो। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ कि लोकेशन कैसी है, ठीक है। काटना है वुड, वुड काटना तो है अपने को, लेकिन अपने को कुछ और भी करना है, लेकिन अपने पहले वुड ही काटेंगे। तो फटाफट से वुड काट देता हूँ सारा का सारा। और गाइस दो तीन वुड काटते काटते तो भाई रात ही हो गई। अब डे टू यहीं पे कंप्लीट कर लेता हूँ, नहीं तो जिम भी जा जाएंगे यार। अरे डे थ्री हो गया यार, डे थ्री में अपने घर बना लिए समझो, डे थ्री में अपने घर बना लिए। मेरे को लगा डे टू हो रहा है अभी, अपने लेट है गाइस, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। गेट भी बना लिया हूँ, और गेट ऑटोमेटिक खोलने वाला सिस्टम भी लगा लेता हूँ कि मेरे को बार बार गेट खोलना ना पड़े। ऐसे खुल जाए वैसे बंद हो जाए। और फटाफट से सारी वुड्स मेरे को इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को घर का पिलर बनाने का है। तो सारी वाइट वुड मेरे को काटने की है, और फटाफट से सारी वुड्स काट डालूंगा मैं आज। जंगल में जितने भी झाड़ है सब मैं काट के ख़त्म कर दूंगा, और थोड़े बहुत मुझे वाइट रॉक्स भी लगेंगे तो वो वाइट रॉक्स भी काट देता हूँ। और ये सब काटने के बाद मुझे लग गई भूख। भूख लगने से पहले देख लेता हूँ सूरज आसमान में ही है, थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी, मतलब डे फोर आने वाला है। मैंने कुछ नया सेटअप भी नहीं रखा है, कुछ नया सेटअप रखने के लिए अपने को देखना पड़ेगा। सारे चिकन को एक काम करता हूँ, पहले एक जगह लेके आ जाता हूँ इन लोग को, खट्टा खोद के अंदर डाल देता हूँ इन लोग को, क्या बोलते हो, खट्टा खोद के अंदर ही डाल देता हूँ इन लोगों को, ताकि ये अंदर ही रहे, बाहर इधर उधर कचरे की तरह दिखे ना मेरे को। और भाई यार डे फोर भी हो गया अपना, तो चलो भाई, अरे बंद हो जाए यार, हाँ बंद हो गया। तो चलो डे फोर कंप्लीट हुआ, और अभी तक मैंने ज़ॉम्बी फाइट नहीं किया है, ये कि बहुत अच्छी बात है कि ज़ॉम्बी फाइट नहीं किया हूँ। नहीं तो ज़ॉम्बी फाइट करूंगा तो देख लेना गाइस मैं मर ही जाऊंगा, मैं जैसे ज़ॉम्बी जाएगा ना मैं मर जाऊंगा, मारे भी नहीं पाता हूँ मैं, अभी मैं नूबड़ा हूँ ना इसलिए। और मेरे को वाइट बहुत कम मिल रहा है, मतलब वाइट वुड बहुत कम मिल रहा है, फिर भी सारे जंगल में से छान छान के मैं सारे वाइट वुड काट डालूंगा मैं। थोड़े बहुत वुड ये भी काटने पड़ेंगे क्योंकि ये अपने को काम है। अरे भाई ये कौन सा गुफा दिखा, देखा गुफा तो जोरदार गुफा था यार। ऑयल इकट्ठे कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को रात में लाइट भी लगानी है अपने घर के आसपास, और थोड़े बहुत रॉक्स भी काम आएंगे तो फटाफट से रॉक्स भी काट लेता हूँ। मेहनत करना चाहिए गाइस, मेहनत करना चाहिए अपने को। तो देख रहे हो ना गाइस मैं कितना देर से खोद रहा हूँ, देख रहे हो ना, तो
अच्छा स्पीड कर लिया, उन्हें स्पीड नहीं करता तो क्या होता, कम से कम नहीं कुछ तो एक दिन मेरा इसमें वेस्ट हो गया देख लो। मतलब डे 5 आ गया है गाइस और रात हो गई है, ज़ॉम्बी ना आ जाए भाई फटाफट घर निकलना पड़ेगा अपने को। अभी ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं हुए हैं, फटाफट से घर निकल लेते धीमे से। और ये घर का गेट खुल गया और अपने डे 5 हो गया अपना डे 5। तो डे 5 और डे 6 की सुबह अपने को थोड़ा बहुत एप्पल भी मिल गए और थोड़ा और अपने को माइनिंग करनी पड़ेगी अपने को, और सब कुछ अपने रख के वापस हथियार बना के चलते हैं माइनिंग करने के लिए। इसको बंद कर देता हूँ नहीं तो इसके अंदर ही गिर जाऊंगा मैं बार बार इधर उधर कर रहा हूँ। और फटाफट से मैं खोद खोद के इतना खोद दूंगा कि आज मैं पाताल लोक चला जाऊंगा आराम से। पाताल लोक जाने के लिए रेडी हो जाओ सब लोग, चलो मुर्गी को लेके आते। चलो मुर्गी लोग तुम लोग का घर बड़ा कर लेता हूँ, वही पाताल लोक लेके चलते हैं इनको। ये आ गया पाताल लोक इन लोग को लेके। एक मुर्गी बहुत देर से परेशान कर रही है मेरे को, तो देख सकते हो ये लोग अभी दूसरी मुर्गी भी दे चुके हैं, मतलब मुर्गी का बच्चा। तो अभी अपने इन लोगों को मार के इन लोगों के मतलब वो इकट्ठी कर लेते हैं मतलब रस्सी। तो अभी देख सकते हो यार डे 6 हो गया भाई, डे 6 भी देखते देखते ही कंप्यूटर गया और घर नहीं बना अभी तक। घर का एक सिंबल भी रेडी नहीं हुआ है अभी तक, देख रहे हो ना, एक सिंबल रेडी नहीं हुआ है। घर के आसपास लाइट लगाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज अपने घर के आसपास भी नज़र नहीं आने चाहिए। जैसे भूत प्रेत होते हैं वैसे ज़ॉम्बीज होते हैं इसके अंदर। थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर की माइनिंग कर लेते हैं फटाफट, ऊपर ऊपर की माइनिंग कर लेनी चाहिए यार अपने को। एक घर का बेस रेडी करना है, तो घर का बेस कैसा रेडी होना चाहिए कमेंट करके बताओ एक बार। और भाई रात में मैं बाहर निकल चुका हूँ थोड़ा बहुत माइनिंग करने के लिए, लेकिन अभी तक ज़ॉम्बी मेरे को नज़र नहीं आ रहे हैं पता है। अभी ज़ॉम्बी आए तो थोड़े बहुत ज़ॉम्बी से फाइट भी कर सके अपने, और अपने खंडार के अंदर घुस चुके हैं, लाइट वाइट लगा के थोड़ा बहुत अंदर ही माइनिंग कर लेते। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और वो बारिश बारिश में अपने भीग भीग के इधर उधर गिर वगैरह ना जाए यार, क्योंकि बाहर तो बहुत कीचड़ होगा, क्योंकि बाहर तो डर्ट है, समझ रहे हो ना, डर्ट है बाहर। ऐसा होल बना दूंगा कि यहाँ बंदे अगर घुस जाए तो बाहर ना निकल पाए, समझ लो बाहर नहीं निकलना चाहिए इन लोगों को। अपने को ये चीज़ों में अपने को कोयल मिल जा रहा है कि आगे चल के अपने को बहुत फायदा होने वाला पता है। यही बाहर निकल के घर चलते हैं, घर चल के सोते हैं गाइस। पता है रात हो गई है और भूत प्रेत गाइस मेरे को एक भी ज़ॉम्बीज नहीं दिख रहा है गाइस। रात हो गई है देख लो, रात हो गई है, एक भी ज़ॉम्बीज नहीं है आसपास घर के आसपास। तो क्या गाइस मेरे पूरे लगता है प्लेनेट पे ये ज़ॉम्बीज स्पॉन ही नहीं हो रहा है लगता है। ये बहुत अच्छी बात हुई है और अच्छी बात नहीं भी है क्योंकि मेरे को बोन कैसे मिलेगा। तो डे 7 भी यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है देख लो आप। तो डे 7 की और मैं यहाँ पे बेस थोड़ा रेडी कर रहा हूँ कि अपने घर कैसा शेप में होने वाला है। घर का शेप देख के तो कोई भी बता सकता है कि घर का शेप एकदम बेकार है, और मैंने घर एकदम बेकार रेडी किया। और डे 8 भी यहीं पे कंप्लीट हो गया देख लो गाइस, देखते देखते डे 8 भी कंप्लीट कर लिया हूँ खड़े खड़े। अगर स्पीड नहीं किया तो सोच लो आप लोगों का कितना टाइम जाता, सोच लो कितना टाइम जाता। तो गाइस इसमें मेरे को बहुत मेहनत लगी यार, एक लाइक तो कर दो तुम लोग। तो फटाफट से वुड कम पड़ गई तो मैं वुड थोड़ी बहुत इकट्ठी कर लेता हूँ, क्योंकि अपने को वुड भी थोड़ी बहुत इकट्ठी करनी चाहिए। घर बनाने के लिए अपने को कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, बेस थोड़ा रेडी करके और अपने ये थोड़ा बड़ा होगा। अभी दूर से देखते इसको कैसा लग रहा है, तब तक आगे का देख लेते। कुछ खास नहीं लग रहा लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है। बेस जब रेडी होगा ना तब देखना कैसा बेस रेडी कर रहा हूँ मैं अभी। अभी मेरे को पिंक वुड इकट्ठी करनी है, पिंक वुड इकट्ठी करने के लिए मेरे को नानी याद आ जाएगी देख लेना, बहुत ढूंढना पड़ता है पिंक वुड को और पिंक वुड इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो इसको भी सीप को भी अंदर ले आया और रात हो गई और डे 9 भी यहीं पे कंप्लीट हो गया। देखते देखते डे 9 भी कंप्लीट हो चुका है और डे 10 की मॉर्निंग अपने चलेंगे कुछ चीज़ें इकट्ठी करने के लिए, जो चीज़ें इम्पॉसिबल है
जैसे कि पॉसिबल तो है, लेकिन घर पे आना इम्पॉसिबल है। मतलब घर का रास्ता आपने भूल सकते हो आराम से, आराम से भूल सकते हैं घर का रास्ता। आपको पता है, आप लोगों ने भी माइनक्राफ्ट खेला होगा, आप लोग को पता होगा कि घर का रास्ता ढूंढने में कितना दिक्कत होता है, वो भी सर्वाइवल में। देख लो सर्वाइवल में खेल रहा हूँ, देख लो HP देख लो सब दिख रहा है, और घर का बेस बताओ कैसा लग रहा है। मेरे को तो नहीं बिल्कुल अच्छा लग रहा, लेकिन क्या करें, अपने करने के अनुसार अपने यही है। और किसी का बेस चोरी नहीं किया है, देख लो गाइस, किसी का बेस ऐसा नहीं होगा जैसा मैं रेडी कर रहा हूँ पूरे, मतलब यूट्यूब चैनल पर किसी का नहीं होगा। हाँ मान सकता हूँ, लेकिन कोई मेरा कॉपी कर ले, लेकिन होगा नहीं ऐसा, लेकिन क्योंकि अपने कुछ ऐसा यूनिक सा बनाया है ना, इसलिए पिलर जैसे बोलते हैं ना, अपने घर बनाते हैं तो कैसे अपना पिलर इकट्ठा करते हैं, मतलब इकट्ठा कैसे बनाते हैं, वैसा ही बनाया हूँ। ठीक है, बहुत सारी डटे खत्म हो गई मेरे पास, और भी डट इकट्ठे करनी पड़ेगी, लेकिन पहले अपने रेडी कर लेते बेस। कुछ ट्रायंगल सा बना लिया मैंने, और चलो अपने चलते हैं ढूंढने के लिए, कुछ चीज़ें मिल जाए और कुछ चीज़ें माइनिंग करके मिलेंगी। पर तब तक मैं ये बता दूं आप लोगों को कि मैं बहुत देर से शिप में हूँ, और मेरे को रात हुए मेरे पास बेड भी नहीं था, फिर फटाफट मेरे को वापस घर आना पड़ा, और घर आके सोया हूँ day 10 कंप्लीट करने के लिए। day 10 कंप्लीट करने के बाद मेरे को पता चल गया था कि वुड इकट्ठा करना इम्पॉसिबल है, फिर भी मैं ढूंढने के लिए चला गया दूसरे सफ़र की ओर। और फिर उसके साथ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे मैं मर गया था, कुछ अच्छा ही हुआ मेरे साथ। फिर रिस्पॉन होके फटाफट से मैं जो मरा हुआ था वो कलेक्ट किया, और मेरे को मिल गया था मशरूम बहुत बड़ा वाला, और काट काट के मशरूम खा लिया, मतलब मशरूम खाया नहीं हूँ, मतलब मशरूम इकट्ठा कर लिया हूँ। मशरूम इकट्ठा करते करते गाइस देख सकते हो आप लोग, इकट्ठा करते करते ही रात हो जाएगी। मशरूम इकट्ठा करते करते थोड़ी बहुत रात हो गई है, और अब पूरी रात होने वाली है। मशरूम इकट्ठा कर लिए हैं, और थोड़े बहुत मेढक को भी मार लेंगे कि अपने सप्लाई कर सके चाइना को, बहुत खाते हैं ना वो लोग गाइस। और एसी डॉट मिल गई ना भाई, क्या बोलूँ भाई, एसी डॉट तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप लोग सर्च मार के देख लोगे पूरे टूर्नामेंट में, मतलब टूर्नामेंट क्या बोल रहा हूँ, पूरा इतिहास, कहीं एसी डॉट नहीं मिलेगी ये, समझ लो। तो रात होने वाली है, घर निकलते हैं, और day 11 भी कंप्लीट करते हैं यहीं पे। तो देख सकते हो day 11 भी कंप्लीट कर लिया हो, और day 12 में कुछ ऐसा करूँगा कि बहुत सारे डर्ट इकट्ठा कर लूँगा मैं, समझ लो बहुत सारे डर्ट इकट्ठे कर लूँगा जमीन बनाने के लिए, जो आगे चल के मेरे को बहुत काम आएगा। थोड़ा बहुत खाली कर लेता हूँ, और थोड़े बहुत चीज़ें बना लेता हूँ कि मेरे को काम आए आगे चल के फ्यूचर में, मतलब अभी मेरे को काम आएगा फ्यूचर में क्या। तो देख सकते हो इतनी माइनिंग करूँगा, इतनी माइनिंग करूँगा कि आज हथौड़े बोलेंगे रहन दो गाइस, कि मैं मर जाऊँगा रहन दो। तो देख सकते हो मेरी स्पीड कितनी स्पीड है, इतनी स्पीड में कोई माइनिंग कर सकता है क्या, इम्पॉसिबल। वो भले बात भले अलग है कि अपनी स्पीड बढ़ा लिए, फटाफट से मैंने सारे ब्लॉक्स तोड़ दिए हैं, देखते ही देखते पूरा एरिया क्लियर हो गया, इतना काफी होगा मेरे हिसाब से। और day 12 की स्टार्टिंग होने वाली है, मतलब day 11 ख़त्म हो गया, day 12 आने वाला है, और ये आ गया day 12। तो यहाँ day 12 में एक बंदा मेरे साथ आया है कि बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, लेकिन ये मेरे बेस के बाजू में मेरे बेस की पत्थर रगड़ने के लिए आ गया गाइस। पता नहीं कहाँ से ऐसा है सुअर इंसान आया है, देख सकते हो वो सुअर ही है, उसको मैं मारूंगा बिल्कुल। अभी बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं, हथियार ऐसा दिखता है अपने, ऐसे दिखते अपने काले काले। तो ये मेरे बेस पे इतना काम करेगा, भगा दिया मैंने इसको, मैंने बोला दूसरी जगह काम करना तो कर, मेरे यहाँ पे काम नहीं करने का तेरे को। वोट बनाया और निकल गया सफर की ओर कि अपने को वोट भी इकट्ठी करनी है, वोट देख लेते अपने कहाँ कहाँ है, अपनी पिंक वोट इकट्ठी करनी है, मेन चीज यही है, पूरा बेस का फॉर्मूला यही है कि पिंक वोट इकट्ठी करनी है। पिंक वोट कहाँ से इकट्ठी करनी है वो पता नहीं भाई मेरे को,
तो ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया और रात हो गई, मेरे पास बेड फिर नहीं है। फिर मैं बेड के लिए तरस गया, फिर वापस घर जाऊंगा मैं अभी, क्योंकि मेरे को एक ही सीट मिली, वापस घर जाऊंगा। क्या करूं गाइस, वापस घर तो जाना पड़ेगा ना मेरे को सोने के लिए। डेट 12 कंप्लीट किया हूं तो अभी डेट 13 की बारी है, कंप्लीट तो करना पड़ेगा अपने को। डे मतलब नाइट कंप्लीट करनी है ना अपने को। और ज़ॉम्बी तो स्पॉन हो नहीं रहे, पता नहीं क्यों, लगता है ज़ॉम्बी से अपना बहुत गहरा रास्ता है, इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि रहने दो नहीं आऊँगा तुम मर जाओगे। और यहाँ मैं सो रहा हूँ तो मेरा प्लेयर ही नहीं आया, पता नहीं क्या बना रहा है भाई, ये क्या है, चोरस सा बना के रखा है कुछ, बुला रहा हूँ तो आता भी नहीं है। नुबड़ा मेरे को मारता है, रुक बता दो, ले मार खाया, अच्छा लग रहा है, सो जल्दी जा घर जाके, मार रहा है, अरे बेड चोरी करता है मेरा नुबड़ा। डे 13 की स्टार्टिंग और डे 13 की सुबह उठ चुका हूँ, इसको उठाता हूँ, अरे कहाँ गया ये। तो गाइस इसने गेम ही लेफ्ट कर दिया है, इतना बेस की बजा के रख दिया और मेरी मेहनत बढ़ा दिया, बताओ कैसे कैसे लोग रहते हैं। वो बेस का क्या करूँगा, कोई बात नहीं, अपने वो बेस का भी कुछ नया बना लेंगे। इतने सारे अपना वो स्टोन बेकार कर गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं। आखिरी में अपने पिंक वुड नहीं ढूंढ पाए, अब अपने बेड अपने साथ रखेंगे, बेड साथ में रख लेंगे। चलो तो गाइस एक मिनट, मैंने लाइट नहीं ली है तो चलो फटाफट से पहले लाइट ले लेता हूँ, नहीं तो अपने को रात हो गई और कहीं ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया दूसरे प्लैनेट पे तो क्या करेंगे। मतलब ऐसा बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि दूसरे प्लैनेट पे जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये सब ध्यान रखना पड़ता है ना अपने को, अपने बहुत पीरो प्लेयर है ना अभी इसमें, इसलिए। और फटाफट से अपने नाव पे चलते हैं, नाव कहाँ गई, लगता है उस साइड पार्क किए मैंने। चलो फटाफट ढूंढे अपने पिंक वुड, ढूंढते रहो गाइस, ढूंढते रहो, पिंक वुड दिखे तो कमेंट करो। और भाई ढूंढते ढूंढते मुझको कुछ ऐसी गुफा मिली है जिसके अंदर ज़ॉम्बीज का नामो निशान नहीं, ऐसा तो नामुमकिन होना चाहिए, लेकिन कुछ बेरीज मिल गई है मुझे, वो भी ऑरेंज बेरी, मेरे हिसाब से इसको संतरा बोलना चाहिए, क्या कर सकते गाइस, अपने यहाँ पे संतरा नहीं बोल सकते ना। और अपने को यहीं पे बिस्तर बिछाना पड़ेगा, हाँ ऐसे। तो डे 14 भी यहाँ पे अपने रात कहीं और बिता देते, डे 14 कंप्लीट हुआ और अभी भी अंधेरा टाइप का है, लेकिन अपने गुफे से निकलते हैं फटाफट, निकल के अपने कहीं और चलते हैं और यहाँ से उठा के, ये उठा के उठ जा, ये उठा के यहाँ पे, यहाँ से चलो देखते हैं। और ये क्या मिल गया गाइस, देख सकते हो मेरे को सोने की लंका मिल गई जो कि डूब चुकी थी, सोने की लंका नहीं मतलब कुछ भी बोल सकते हैं उसको अपने। चलो चलते हैं नीचे, चेस्ट में कुछ चेस्ट पड़े हैं, हेलमेट पड़ा है और गोल्ड पड़े हैं और आयरन भी पड़ा है, तो सारा सामान लूटने के बाद अपने को यहाँ से होना है 9:02:11, फटाफट से लूट लेके चलते हैं, हो गया लूट पूरी, चलो घर भागे। अपने को पिंक वुड अभी भी नहीं मिली है, तो घर आने में बहुत टाइम लगते लगते हो गया है रात और अपने आ गए हैं डे, डे कौन सा है बताओ कमेंट करके, बस सो क्यों नहीं रहा। तो डे 15 कंप्लीट हुआ अपना और डे 16 अपने को अभी भी वुड नहीं मिला, तो क्या करें गाइस, वुड इकट्ठे करने पड़ेगी और पिंक वुड का ही घर बनाऊंगा मैं, जो नहीं मिलती वही चीज का ही मैं घर बनाता हूँ, समझ में आया क्या, अपने VIP लोगे सब चीज खाली कर चुके हैं, सब खाली करने के बाद अपने चलते हैं, सामान लेना बाकी है क्या, नहीं चलो
तो चलो गाइस अपने दूसरी तरफ चलते हैं, अपने को पिंक वुड इधर उस साइड नहीं मिला तो क्या हो गया, अपने इस साइड जाएंगे, क्या बोलते हो? उस साइड जाना चाहिए ना अपने को। वो रही मेरी बोट जो कि मैंने रास्ते में ही छोड़ दी थी, ऊपर लेके आना नामुमकिन है। और अपने घोड़ा राइड भी करेंगे, मतलब घोड़े को अपना राइडर भी बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, फटाफट से बोट उठा लेता हूँ। थोड़ा सा स्क्रीन लैग मार रहा है मेरा। उठा लिया मैंने बोट और चलो अपने चलते हैं फटाफट अपने रास्ते की ओर, रास्ते का मल सस्ते में कुछ ऐसा मिल जाए कि अपने को सोना ही सोना, चांदी चांदी के पास कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी वो सबसे खराब लग रहा है मेरे को, वो बेस खराब लग रहा है, ये बंदा बना के चला गया है। कमेंट करके बताओ उधर अपने को क्या बनाना चाहिए, सबका कमेंट पढ़ने वाला होगा, सबका कमेंट पढ़ने वाला, एक एक का कमेंट पढ़ूंगा मैं, कमेंट पढ़ने के हिसाब से मैं रिप्लाई भी करूंगा, तो समझ लेना मैंने कमेंट पढ़ लिया है, ठीक है? और ना पढ़ो तो समझ लेना कि मैंने अभी तक कमेंट नहीं पढ़ा है। तो मैं थोड़ा बहुत आगे गया और मुझको कुछ भी नहीं मिल रहा, मुझे लगा ऐसा कोई मेरे को मारा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे को। बोट बिछाना पड़ेगा अपने को गाइस, बोट बिछाओ रे, लग भी नहीं रहा बोट, देख लो ये ऊपर बिछाया और ये पानी के अंदर, चल अंदर चल अंदर चल अंदर चल, ये पहुंच गया। थोड़ी बहुत कारिस्तानी के लिए माफी चाहता हूँ, जो कि अभी अपने दूसरी ओर चलते हैं। शायद ये वाली बिल्डिंग में, मतलब बिल्डिंग क्या बोल रहा हूँ, ये वाले पहाड़ पे कुछ ना कुछ तो सामान होगा अपने लिए, तो ये पहाड़ भी अपने विजिट मार लेते हैं। दूसरी गाई तो मेरे को पहाड़ वहाड़ दिख नहीं रहा है, तो अपने ऊपर चलते हैं और ऊपर से अपने को दिख सकता है कुछ नया चीज। तो बोट उतारने के बाद अपने बोट ले लेते हैं। ए आजा जा 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 जा, अबे आ भी जा, ये आ गया अपने पास बोट। चलो अब अपने यहाँ से ऊपर चलते हैं और अपने को कुछ मिलना चाहिए, पिंक वुड तो मिल ही जाना चाहिए, पिंक वुड ऊपर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर ऊंचाई की तरफ रहता है पिंक वुड। वहां पे देखो झरना दिख रहा है, कितना मस्त व्यू आ रहा है। और गाइस मुझे यहाँ पे मैं आया तो मेरे को कुछ इस तरह का चीज एक और मिल गया, जो कि लुटेरों की खान है ये, पता है ना आप लोगों को। यहाँ पे किसी चीज ने, अरे 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 ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मिल गया है चेस्ट, और चेस्ट के अंदर देखना चाहिए अपने को क्या पड़ा है और क्या नहीं। ऊपर देख रहे हो गोल्ड का पत्थर पड़ा है अपने को, गोल्ड का पत्थर भी अपने उठाएंगे यहाँ से, तो देख सकते हैं इसके अंदर क्या है। ओ गाइस अपने पास तो सोने की बिस्किट कितनी सारी हो गई, तो 17 18 20 20 बिस्किट है भाई, 20 बिस्किट, मतलब भाई पूरा माइनक्राफ्ट जीत गया मैं। ऐसा मजाक कर रहा हूँ, ऐसा तो होता नहीं, फटाफट से जितनी चीज काम की उठा लेता हूँ। और देखते देखते अंधेरा हो गया, अपने को अंधेरे में डर नहीं लगता, फटाफट घर भागो। घर भागने के बाद डे को कंप्लीट करते हैं यहीं पे, तो डे 16 भी यहीं पे कंप्लीट होता हुआ अपने पास, लेकिन अभी भी वुड नहीं है। अपने बनाएंगे तो पिंक वुड का ही घर बनाएंगे, नहीं तो घर नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं घर बनाऊंगा, देखना घर बना के ही रहूंगा, पिंक वुड ढूंढ के ही रहूंगा मैं बहुत जिद्दी इंसान हूँ पता है। तो गंगा जमुना सरस्वती सब पार कर लिया मैंने, और सागर भी पार कर लिया मैंने पिंक वुड ढूंढने के चक्कर में, देख सकते हो मैंने अभी क्या किया हूँ। गाइज यहाँ मिल गया मेरे को जेल, जो कि यहाँ पे विलेजर्स को पकड़ के दफनाया जाता है, मतलब दफनाया जाता है क्या, पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे मुझको पकड़ के कोई डाल ना दे, तो दूर दूर तक तो कोई नजर नहीं आ रहा है, तो वो ये बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन इसका दरवाजा कहाँ है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और पिंक वुड मिल गई है भाई, पिंक वुड मिल गई है भाई, पिंक वुड मिल गई आखिरी में, फाइनली पिंक वुड मिल गई अपने को, और कुछ चाहिए ही नहीं अपने को। फिर भी अपने देख लेते ऊपर चल के कुछ मिल जाए अपने को खजाना, क्योंकि ये लोग सबका लूट के आते हैं। गाइस देख सकते हो कितना सारा डायमंड है, गाइस कितना अंधा डायमंड है भाई मेरे पास, अब तो समझ लो पूरा माइनक्राफ्ट ही खरीद लूंगा मैं, समझ रहे हो ना, मेरे पास इतना पैसा आने वाला है। तो फटाफट से मैं अभी अपने चेस्ट में डाल देता हूँ,
सब कुछ पोटेटो पोटेटो सब डाल देता हूँ। अभी लाइट वाइट बना सकता हूँ। देखते देखते रात हो गई गाइस और मैं बेड लाना भूल गया हूँ। आपको पता है कि मैं बेड लाना बहुत भूल जाता हूँ, भुलक्कड़ों में दिमाग से निकल जाता है मेरे, बताओ। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि मेरे को पिंक वुड मिल गई है, तो मैं अपने आराम से यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ इजीली। तो चलो कोई बात नहीं, अपने यहीं पे सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन ये क्या गाइस, मेरे को विलेज भी पास में मिल चुका है। ये बहुत बढ़िया काम हुआ है मेरे लिए, पता है। खुशी की बात है कि मेरे को एक विलेज मिल गया। अब मैं यहाँ पे 2-3 दिन आराम से रहूंगा। अरे आयरन गोलम ऐसे घूम रहा है इधर उधर। चलो मैं वो उठ जा मेरे को सोने दे, उठ यहाँ से, उठ भाग यहाँ से भाग। तो डे 17 मैंने दूसरे विलेजर्स के घर पे कंप्लीट किया है, ठीक है। डे 17 कंप्लीट कर लिया मैंने। अब फटाफट से मैं सब कुछ कलेक्ट कर लिया हूँ, तो फिर अपने यहाँ सबके लूटेंगे। लेकिन थोड़े बहुत पिंक वुड भी काट के ले आता हूँ। फटाफट से मैं सारे पिंक वुड काट लेता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत काम आने वाला है। तो फटाफट से सारे पिंक वुड कट करता हूँ, तब तक आप देखते रहो। इतनी देर बाद फिर रात हो गई, फिर रात में मैंने को सोने का मन हो गया। और अभी देखते हैं कि अपने वाली वुड काट के सोने के लिए चलते हैं, और फटाफट से फिर वो ज़ॉम्बी को परेशान करेंगे। ज़ॉम्बी का मतलब विलेजर को परेशान करेंगे, और परेशान करने के बाद अपने इसको उठाकर सो जाएंगे। चल भाई हो गया ना मैं तो। डे 18 भी यहीं पर कम्प्लीट हो गया अपना। सुबह सुबह उठ के सारे वुड्स कटिंग करना चालू कर दिया, क्योंकि आज मेरे को सारे वुड्स लेके जाने के घर पे। अब अपने घर निकलते, और ये लोकेशन अपने ने बनाया था, थोड़ा बहुत मार्क किया है कि घर पे जाने का रास्ता है। फटाफट उधर से निकलते। और गाइस मैं 64 पेड़ लेके जा रहा हूँ, मतलब समझो मैंने 64 पेड़ लिया, मतलब मैं पूरा एक विंडो का झुंड बना सकता हूँ पेड़ का, मतलब ग्रुप बोलते हैं ना उसे। ये यहाँ पे मेरे को लग रहा है मैं दूसरी जगह आ गया हूँ, ऊपर चढ़ के देखता हूँ। तो चलो मेरे घर के बहुत पास में हूँ मैं, तो यहाँ से उस साइड जाना है। और ये रहा मेरा घर का थोड़ा साइड जो रेडी किया था मैंने, ये रहा। तो अब इस पर कल सुबह काम चालू हो जाएगा। तो चलो फिर चलते हैं। घर का ढांचा कुछ अलग ही टाइप का लगता है मुझे। तो चलो डे 18 तो हो चुका है, और अपने को डे 19 कंप्लीट करना है। तो डे 19 कंप्लीट करते हैं। घर बनाने से पहले मैं थोड़े बहुत ट्रीज उगा देना चाहता हूँ, जैसे कि फाइव ट्री प्लांट कर देता हूँ। ऊंचाई की तरफ करते हैं कि जो अपने को दिखे। तो एक यहाँ कर देता हूँ, एक यहाँ कर देता हूँ, दो एक यहाँ कर देता हूँ, तीन एक यहाँ कर देता हूँ, चार और ये एक, पांच ट्री प्लांट कर दिया। और देखते हैं कितने दिनों में बड़ा होगा। तब तक अब अपने फटाफट से अपना घर बनाने की रेडी करते हैं, क्योंकि अब हो चुका है डे 19 और 20 आने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। तो फटाफट से अपने कंप्लीट करते हैं। चलो
कंप्लीट होने वाला है 20, और डे 20 कंप्लीट करते हैं अपने यहाँ पे, और दूसरे दिन अपने फटाफट से सारा काम कर देंगे क्योंकि अभी अपने बैकग्राउंड ही बनाने वाले 20 दिन हो चुका है अपना। और देखते देखते डे 21 भी कंप्लीट होने की कगार पे आ चुका है, तो अभी अपने घर पे चलते हैं। डे 21 की नाइट, और डे 20 नाइट कंप्लीट हुआ अपना, तो अब अपने कुछ ऊपर का ढांचा बनाने का है, उसके लिए भी अपने को कुछ चाहिए रहेगा। तो अपने पहले अंदर लाइट वाइट लगा लेते हैं, घर में उजाला रहे, ज़ॉम्बी स्पॉन ना। तो अभी तक तो ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं हुए हैं, लेकिन ये अच्छी है अपनी, फिर भी चलो देखते हैं फटाफट से। ऊपर का ढांचा रेडी करने के लिए पहले अपने को साइड में लगा लेते हैं कि अपने गिरे ना नीचे। और देखते देखते डे 22 भी अपना कंप्लीट हो गया। काट लेते हैं फटाफट से अपने, अभी क्या है कि अभी रात होने वाली है और अपने को जाना भी पड़ेगा अपने को, तो फटाफट से अपने निकलते हैं यहाँ से। और थोड़ी बहुत सीप के निकाल लेता हूँ वुल, क्योंकि अपने को, अरे भाई साहब ज़ॉम्बीज ऐसे कैसे स्पॉन हो गए यार, इतने सारे वो भी। चलो एक एक करके इनको निपटा देते हैं, आज तो ज़ॉम्बी पार्टी हो गई है भाई। वैसे तो बात अलग है कि मैं अकेला हूँ, ये दो ज़ॉम्बीज ने नाश किया और मैं इन लोगों को निपटा दूंगा, देख लेना ये छुट्टियों में निपटा दूंगा। और दूसरा कोई विलेजर ज़ॉम्बी आ रहा है, तो अपने फटाफट से इन लोगों को मार के निकलते अपने घर की ओर।
अब इन लोग के सामने से तो नहीं जा सकते घर पे, और अपने को साइड से घूम के जाना पड़ेगा। दो स्पाइडर मेरे पीछे पड़ गए जो कि ईपी भी नहीं है मेरे पास। अब ये दो बीच में है तो इन लोग को मार के जाना पड़ेगा घर पे। एक ये बेटा गया, दो फटके मार दिए इसने, एक स्पाइडर बचा है। स्पाइडर ने भी मारा, मेरे को विश्वास नहीं था स्पाइडर मेरे को मारेगा, लेकिन इसको डाल देता हूँ, घर भागता हूँ फटाफट। किसी ने देखा है नहीं मुझे, मैं घर निकल लेता हूँ। रोस हो गया, 23 कंप्लीट किया मैंने। अब देखते हैं ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी थे कि नहीं।